रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक वृद्ध को नशीली दवा का सेवन करवाकर उसकी संपत्ति को आरोपी के द्वारा हड़प लिया गया है। और जैसे ही नशीली दवा का असर खत्म हुआ तो पीड़ित वृद्ध के हाथ से पूरी जमीन जा चुकी थी। पूरा मामला हनुमना तहसील अंतर्गत अमहा वासुदेव का है, जहां पीड़ित जोखन जायसवाल को आरोपी राकेश यादव व उसकी पत्नी रंजीता यादव द्वारा वृद्ध को नशीली दवा पिलाकर अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद पीड़ित को पहले अपने घर के अंदर रखा गया, वहीं पीड़ित को नशीली दवा खिलाकर उसकी समस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिना कोई प्रतिफल की राशि दिए रंजीता यादव के नाम करवा लिया गया, जबकि पूरी जमीन पीड़ित के भाइयों के सह खाते में अभी भी है। वहीं पीड़ित को एक भी रुपए नहीं दिया गया, जबकि उक्त भूमि की बाजारू कीमत 1 करोड़ है। लेकिन पीड़ित के साथ धोखाधड़ी करके पूरी जमीन एक झटके में ही आरोपी के द्वारा अपने नाम करवा लिया गया। वहीं पीड़ित अपने परिजनों के साथ हनुमना थाने में पहुंचकर सूचना दिया तथा हनुमना तहसील में आवेदन भी लगाया है, लेकिन आरोपी के द्वारा अधिकारियों से साठ गांठ करके पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पीड़ित के द्वारा जगह जगह पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन पीड़ित की कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित के द्वारा अब इस मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। भाई हमको बुला के चाय पिलाया, हम चाय पीने रोज जाते थे। वो अरे राकेश यादव चाय पिलाया, हमारी तबीयत डाउन हो गई, हमको 4 दिन कमरे में बंद किया। हाँ उसके बाद 5 दिन तो हम उसके बाद ले आया, हम भतीजा हमारा गया तो हम उसके साथ आए, तो हम फिर रिश्तेदारी में चले गए। अब जमीन दिखाया आज भाई, ऐसा है ना भाई, हमको होश नहीं, हमको ले आया यहाँ तो दस्तखत करवा लिया, तहसील दस्तखत करवा लिया। अब हम क्या जाने काहे खातिर, हमको कहा कि तुम्हें ये 2000 रुपये महीना मिलेगा सरकार किसानी वाला। हाँ हम दस्तखत कर लिए पढ़वा दिए, ऐसा पता चला हमारे परिवार वाले गए हैं तब पता चला कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ घटना हुई है। ओके बाद तहसील से दबी हुआ लिखा पढ़ी हुआ है, भाई हम अपनी जमीन चाहते हैं। हाँ महाबास देव घटना ये हुआ है कि हमारे बड़े पिताजी हैं, चाय पीने जाते थे डेली, जोखनलाल जायसवाल ये चाय पीने जाते थे। इनको चाय में पता नहीं क्या दिया गया कि इनको मतलब खबर नहीं रहती थी, इनको तहसील में बुला करके पता नहीं 2000 रुपये देने के बावजूद में इनसे दस्तखत करवा लिया गया। किसके द्वारा दस्तखत करवा लिया गया? हे रंजीता यादव, राकेश यादव। आगे और यही हुआ, हमने थाना हनुमना में रिपोर्ट किए, रीवा में रिपोर्ट किए, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद हमने तहसीलदार को बताया, उनसे मतलब रजिस्ट्री मतलब नामांतरण न होने के कारण न हो इसके लिए हमने उनसे लिए, फिर पटवारी को पावत दिए, उनसे रिसिप्ट लिए। हम चाहते हैं कि इनकी ज़मीन इनको वापस किया जाए। ज़मीन किसके नाम? ज़मीन जोखन लाल जायसवाल के नाम। तो मैं किसके लिए? अभी ज़मीन इन्हीं के नाम है, तहसीलदार साहब ने आदेश दे दिया है रंजीता यादव के नाम करने के लिए।